अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री राम नाथ जी, प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जस्टिस प्रमोद कोहली जी, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोफेसर वी एस चौहान जी, कुलपति डॉक्टर आर सी सोपती जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, आज दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर उपस्थित सभी पदक विजेताओं, शिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश में लखनऊ की तहजीब की एक अपनी अलग पहचान है। यहाँ के शिष्टाचार में सबको आप कहकर संबोधित किया जाता है। इसके पीछे केवल औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि यह दूसरे को आदर देने की भावना का परिचायक है। इसी तरह लखनऊ के लोगों में दूसरी एक तरजीह तहजीब है और उसके तहत पहले आप कहने की परंपरा। कभी कभी इसका परिहास भी होता है, लेकिन इसके पीछे भी केवल नफासत ही नहीं बल्कि धीरज रखने और दूसरे को प्राथमिकता देने की भावना होती है। यह अधीर या आक्रामक होने के बजाय धैर्यवान और संवेदनशील होने की तहजीब है। अगर सभी देशवासी लखनऊ के लोगों की पहले आप वाली तहजीब अपना ले तो मुझे लगता है कि बहुत सी आपसी व्यवहारिक समस्याएं पैदा ही नहीं होगी और शायद लोग अधिक खुश होंगे। इस लखनऊ शहर से बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक खास रिश्ता रहा, जिसके कारण कुछ लोग लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि भी कहते हैं। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे। आज से ठीक 15 दिन पहले भदंत प्रज्ञानंद जी का लखनऊ में परिनिर्वाण हुआ। आज यहाँ आने से पहले मुझे उनकी पुण्यस्थली पर जाकर उनके सम्मान में सादर नमन करने का सौभाग्य मिला। यहां आकर मेरी उन दिनों की भी यादें ताजा हो गई हैं, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था और इस विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य भी था। ये बात होगी लगभग 2002 और 2003 की। जब उस समय आता था तो यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। केवल एक वाइस चांसलर साहब का ऑफिस था, एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, मुझे लगता है कुछ 10 या 15 लोगों का स्टाफ था। बैठकें होती थी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, काम आगे बढ़ा। लेकिन जिसको कहते हैं कि जिस हर किसी के मन में एक आकांक्षा होती है कि जिस किसी पौधे को आपने लगाया हो और आपके सामने जब वो वृक्ष के रूप में सामने आता है तो कितनी खुशी होती है, और वही आज मैं उस खुशी को आप सबके साथ में साझा कर रहा हूँ। आज इस विस्तृत विद्या मंदिर परिषद में ऐसा प्रभावशाली इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर
सचमुच में मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस परिसर में आम्बेडकर भवन और अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के होने से भारत रत्न से सम्मानित दो महापुरुषों को नमन करने का भी आज मुझे अवसर मिल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ के लोग संसद में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते रहे। समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनके महान योगदान के लिए पूरा देश उनका आदर करता है। संयोग से, जैसा कि माननीय राज्यपाल जी ने उल्लेख किया, आज एक और भारत रत्न को याद करने का अवसर है। भारत को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। देश के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमारी शासन व्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं उनकी स्मृति को सादर नमन करता हूं। आप में से बहुत से विद्यार्थियों को बाबा साहेब अम्बेडकर के विद्यार्थी जीवन के विषय में विस्तार से मालूम होगा। उन्होंने परिश्रम और निष्ठा के बल पर एक असाधारण विद्यार्थी के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की थी। जिस समय बाबा साहेब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे, उसे कई विद्वान उस विश्वविद्यालय का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। उस स्वर्णिम युग पर डॉक्टर अंबेडकर ने विद्यार्थी के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। डॉक्टर अंबेडकर बहुत कम समय में ही गंभीर और जटिल विषयों पर अपनी थीसिस पूरी कर लिया करते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी और उनके शोध में गहराई भी होती थी। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि भारत की संविधान सभा में अनेक उच्च कोटि के विद्वान मौजूद थे, ऐसे विद्वानों से भरी हुई सभा में भी बाबा साहब की चर्चा सबसे अधिक विद्वान सदस्य के रूप में होती थी। शायद इसीलिए उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब जैसी विलक्षण प्रतिभा से जुड़े विश्वविद्यालय के हर छात्र और छात्रा में शिक्षा और नैतिकता के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय में केवल 13 वर्ष की उम्र में पीएचडी कर रही सुषमा वर्मा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाली नीलू शर्मा के रूप में दो नए उदाहरण मेरी असाधारण बेटियों की सूची में जुड़ गए हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने के लिए मैं इस विश्वविद्यालय की सराहना करता हूं। बाबा साहब भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की समानता के पक्षधर थे, लेकिन आज जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जिन दो बेटियों का मैंने नाम लिया, सुषमा और नीलू का, और उसके साथ ही साथ जो पदक प्राप्त करने वाली बेटियां हैं, जिसका कि महामहिम जी ने प्रतिशत भी निकाल कर दिया कि 64%, तो मुझे लगता है कि शायद बाबा साहब यदि आज की तारीख में यहां होते तो शायद उनको लगता था कि उनके सपने, तो सपना तो बहुत पहले पूरा हो गया, सपने से भी आगे हमारी बेटियां आगे निकल रही हैं, क्योंकि वो तो केवल समानता के पक्षधर थे। मेरा मानना है कि हम अपनी बेटियों के लिए शिक्षा के जितने अधिक अवसर उपलब्ध कराएंगे, उतनी ही तेजी से हमारे देश का विकास होगा। आज हमारा देश विश्व में अग्रिम पंक्ति के देशों में गिना जाता है, लेकिन कई सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर आगे बढ़ते हुए विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी हमें अपने देश को बहुत आगे ले जाना है। जब देश विकसित होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को भी विकास के बेहतर अवसर मिलेंगे। आप सब लोग गहराई के साथ सोचेंगे तो ये समझ में आता है कि आपकी शिक्षा प्राप्त करने में आपके माता पिता, परिवारजन, शुभ चिंतकों के अलावा समाज के अन्य लोगों और देश ने भी काफी योगदान दिया है। इन सबका आप सब पर कर्ज है, एक ऋण है।
अब ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको अपने विवेक के अनुसार तय करना है कि आप इस ऋण को हमें कैसे चुकाना है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना आप सबके लिए जरूरी है। आपके सामने दो विकल्प हैं, आप नौकरी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी में प्रायः आप लोग जानते हैं कि सीमाएं तय कर दी जाती हैं। आप सभी प्रतिभावान हैं, आप सभी में सफलता की अपार संभावनाएं हैं, अतः यदि आप अपना खुद का काम करते हैं तो आप सफलता की ऐसी ऊंचाइयां छू सकते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। अपना काम करने की संस्कृति और मानसिकता, इन दोनों को बढ़ावा देने में भी आपको ही पहल करनी होगी। इसके सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। अपना काम करना कितनी बड़ी सफलता दे सकता है इसके बारे में मैं आप सबके साथ एक उदाहरण साझा करना चाहूंगा। व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन के विषय में आप सब लोग जानते होंगे। वे नौकरी ढूंढने में लगे हुए थे, उन्हें फेसबुक और ट्विटर दोनों ही कंपनियों ने नौकरी नहीं दी थी। नौकरी ना मिलने पर वो हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। उनकी इस कंपनी व्हाट्सएप को इतनी अधिक सफलता मिली कि फेसबुक ने उस कंपनी को हासिल करने के लिए, जिसने उन्हें नौकरी नहीं दी, फेसबुक ने उस कंपनी को हासिल करने के लिए $19 बिलियन यानी कि लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए ब्रायन एक्टन को दिए। सफल एंटरप्रेन्योर्स के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप नौकरी चुने या स्वरोजगार, आपको नैतिकता और सिद्धांतों के रास्ते पर चलते ही वास्तविक सफलता मिलेगी। नैतिकता के विषय में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रिलेटिविटी अप्लाइज टू फिजिक्स एंड नॉट एथिक्स, यह कथन बिल्कुल सही है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक सरोकार के कई कदम उठाए हैं। इकलौती बेटियों को तथा कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को एडमिशन में अलग से आरक्षण देना, विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों को गोद लेना और वहां शिक्षा और विकास के लिए काम करना तथा किसानों और जमीन से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय के इनोवेटर्स क्लब से जोड़ना, ये सभी सराहनीय कार्य हैं। ऐसे सामाजिक प्रयासों में छात्रों की भागीदारी से उनमें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एहसास होता है। यह एक नया विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अभी से अपनाकर आप सब 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने में अधिक समर्थ हो पाएंगे। ऐसी एक बेस्ट प्रैक्टिस है एलुमनाई एसोसिएशन बनाना और उन्हें विश्वविद्यालय के विकास से निरंतर जोड़कर रखना। विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और सफलता प्राप्त कर रहे यहाँ के पूर्व छात्र इस विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के लिए अपना योगदान देने के लिए जरूर उत्साहित रहेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों पर आधारित इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से ये आशा की जाती है कि वे समानता और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में अपना निरंतर योगदान देते रहेंगे। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर बधाई देता हूँ। परिश्रम और प्रतिभा के आधार पर पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ आप नए भारत के निर्माण में अपना अधिक से अधिक योगदान देंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।